हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ मैंग श्रीवास्तव फ्रॉम अम्बालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम मकैनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड माई कॉलेज इज एफिलेटेड विद डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है ह्यूम ब्रॉदरी रूल्स हम आपको uh, फेस डाइग्राम के बारे में बता रहे थे तो फेस डाइग्राम का क्या यूटिलाइजेशन है एज ए मकैनिकल इंजीनियर फेस डायग्राम कितना हेल्पफुल होता है एक मटेरियल को स्पेसिफ़ाई करने में उसकी क्वालिटी को जानने में इसके बारे में भी हमने काफ़ी डिस्कस किया था एक बार आपको थोड़ा सा पुराना रिवाइज़ करा देता हूँ उसके बाद फिर इस पर आते हैं एक्चुअली जो हमने आपको जो जो चीज़ें कवर अप करी थी दैट इज़ यूनिट सेल क्या होता है लैटिस क्या होता है यूनिट सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है कितने आइटम्स एफ सी सी में होते हैं क्रिस्टल में कितने आइटम्स होते हैं बी सी सी में कितने आइटम्स होते हैं ये सारा कुछ हमने वन बाई वन आपको समझाया था उसके बाद फिर हमने बताया था आपको कि लेटिस क्या होता है लेटेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन में अगर आप यूनिट सेल को रखते चले जाएंगे तो एक थ्री डी का फॉर्मेशन होता है वही आपका मटेरियल का स्ट्रक्चर होता है फिर हमने आपको माइक्रो स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था उसके क्या क्या फॉर्म्स होते हैं उसके बारे में आपको बताया था फिर इसके बाद क्या होता है कि इस तरह जब मटेरियल आपका बन के तैयार होता है तो उसके बाद टेस्टिंग होती है टेस्टिंग में आपको हमने बताया था एनडीटी नॉन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है टेस्टिंग का यूटिलाइजेशन क्यों होता है क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि कहाँ पर फेल्योर के चांसेस हैं जब आपको ये पता चल जाएगा कि फेल्योर के चांसेस कहाँ पे हैं तो आप इजिली रिकॉग्नाइज कर लोगे अपनी कमियों को अपने डिमेरिट्स को या अगर कोई एलॉय मिला कर के आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो वहाँ पर कहाँ पर स्ट्रेंथ कम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कहाँ पर कितनी चाहिए तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी पहले ही तो पहली बात तो आपका टाइम कम कंज्यूम होगा फेल्योर के चांसेस कम हो जाएंगे और आपको बेनिफिट मिलेगा आपके प्रोडक्शन यूनिट में क्योंकि जो ये आपका सब्जेक्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंडस्ट्री में क्योंकि जब आपको इंडस्ट्री में कोई भी काम आप करते हैं तो मटेरियल्स का सबसे पहले रिक्वायरमेंट आता है मटेरियल्स के ऊपर ही वर्क करा जाता है उसके ऊपर ही सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती हैं तो ये सारी चीज़ें जब वन बाय वन आप करते चले गए तो अब जो टॉपिक में आता है आपका कि फ़ेस रूल फ़ेस रूल में क्या होता है कि आपने जब भी किसी भी मटेरियल पर कोई भी टम्परेचर दिया तो वो अपना फ़ेस डिफॉर्म करता है अब डिफॉर्मेशन ऑफ़ फेस जो होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है अब जो इसमें जो डिफॉर्मेशन हो रहा है स्टेप बाय स्टेप या तो आप कोई एलाइंग एलिमेंट्स मिला रहे हैं जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि अलावाइंग एलिमेंट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं कि बेस मेटल 80 परसेंट होना चाहिए और अलावाइंग आपका अप्रॉक्स 20 परसेंट होना चाहिए तो जब आप इसमें अलाइंग एलिमेंट्स मिलाते हैं और टेम्परेचर देते हैं क्यों क्यों करा जाता है ये सारी चीज़ें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करने के लिए क्यों ऐसा क्यों होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस क्यों करना पड़ता है क्योंकि एक ही मटेरियल सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर इनबिल्ट नहीं करे हुए होती है जो एक डिजायर डिजायरनेस होती है एक, एक इंजीनियर्स की कि उसके अंदर जहाँ पे आप उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं या उस मटेरियल को यूज कर रहे हैं उसमें वो सारी चीज़ होनी चाहिए लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाती तो आप उसमें इनबिल्ड करते हो या इंक्रीज़ इन, करते हो ये सारी क्वालिटीज़ तो उसके लिए आपको ज़रूरी होता है ही ट्रीटमेंट प्रोसेस भी एक इसका पार्ट होता है इसको आगे हम कवर अप करेंगे तो अब फेस डायग्राम फेस डायग्राम में आपको हर चीज़ हर स्टेप पे आपको पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ मैकेनिकल की प्रॉप मटेरियल अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर रहा है और किस किस पॉइंट्स पे जब चेंजेज़ हो रहे हैं तो किस किस पॉइंट्स पे आपको उसको इम्फेसाइज़ करना है या उसमें अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ऐडअप करना है या एड ऑन करना है जब चीज़ों को ऐड करते हैं चीज़ इन सेंस आपका मटेरियल एक बेस मटेरियल में जब कोई और मटेरियल मिलाते हैं वो अलॉइंग मटेरियल हो जाता है तो जब उस एलाइंग मटेरियल को आप मिलाते हैं तो नो no डाउट आपका कंपोजिशन कहीं ना कहीं से डिफरेंट uh, प्रॉपर्टीज़ शो करता है तो वो जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करता है उसको समझने के लिए उसको बूस्टअप करने के लिए उसकी ओ उनहेंस करने के लिए आपको फेस रूल या फ़ेस टेक्नोलॉजीज पढ़नी पड़ती है हमने जो और भी चीज़ें डिस्कस करी थी कि फ़ेस डायग्राम में अगर आप समझोगे तो एक होता है यूनिरी फेस डायग्राम यूनिरी मतलब वन या सिंगल फ़ेस डायग्राम मतलब अगर किसी एक कंपोनेंट के बारे में आप वर्क करते हो और उससे रिलेटेड आपको जानकारी मिलती है तो वो आपका होता है सिंगल फेस डायग्राम या सिंगल या यूनिट कंपोनेंट फेस डायग्राम या यूनिरी डायग्राम वो एक कंपोनेंट के ऊपर होता है लेकिन रिसर्चर या साइंटिस्ट ने ये देखा कि अभी एक कंपोनेंट पे तो चलो ठीक है हमने काम करा और उसके ऊपर वर्क करा लेकिन हमको वो पूरी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं मिल पा रही है जो हमको यूज करना है तो उस केस में रिसर्चर ने सोचा चलो दो कंपोनेंट मिला करके देखते हैं कि उसमें क्या क्या इशूज़ आते हैं या क्या क्या क्वालिटीज़ इन होती हैं तो उसने दो कंपोनेंट्स मिलाए दो कंपोनेंट जैसे ही मिलेंगे वैसे ही वो एलाइंग एलिमेंट हो जाएगा अब जब दो कंपोनेंट मिल गया तो तब भी देखा गया कि कहीं एक्चुअली जो ह्यूम रोडरी है या इन्होंने क्या सजेस्ट करा कि कोई भी कंपोनेंट कैसे मिक्स होगा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कंपोजिशन आपको बनाना है ठीक है दो दो कम दो मेटल अलग अलग हैं आपको आपस में डाइल्यूट करके उसको मिक्स करना है आप कंपोजिशन करने के लिए दो चीज़ों की क्वालिटीज़ आपस में मैच होनी चाहिए तो इन्होंने इस टर्म्स पे काफ़ी रिसर्च करा और अपने एक रूल्स दिए कि अगर आप इन इन टर्म्स को या ये फ़ाइव रूल या सिक्स रूल्स जो भी इन्होंने दिए अभी हम डिस्कस करते हैं तो उन्होंने बताया कि जब आप इसको फॉलो करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा कंपोजिशन मिलेगा जिसकी इफ़ियंसी बहुत अच्छी होगी तो उस पर इन्होंने वर्क करा और उस पर ही इन्होंने अपने रूल्स दिए तो उसी के नाम पर इसको रखा गया ह्यूम ह्यूमरि रूल्स तो ये बेसिक था आपका क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए किसी भी मटेरियल पे वर्क करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है उसका कंपोजिशन होना कंपोजिशन प्रॉपर होगा कब जब उसके माइक्रो स्ट्रक्चर सेम होंगे जब उसके एटॉमिक साइज़ सेम होंगे एटम्स के साइज़ सेम होंगे या अप्रोक्सीमेट काफ़ी पास होंगे या आपका जो वैलेंसी है इसके ऊपर भी इन्होंने बात करा कि उनकी वैलेंसी काफ़ी क्लोज होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए तो ये सारे टर्म्स होते हैं जिसपे इन्होंने डिस्कस करा एक और इम्पॉर्टेंट टर्म पे इन्होंने बताया कि जो भी आपके मेटल्स uh, जिसको भी आपको ऐड करना है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन्होंने जो बताया सबसे पहला ही इनका रूल था वो ये था कि आपका जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है वो सेम होना चाहिए तब आपके कंपोनेंट मिक्स होंगे जैसे आपका अगर मान लीजिए आपने कोई भी मेटल लिया तो अगर मान लो अल्मीनियम लिया और कोई और भी आइटम लिया तो अगर एलमोनियम का एज्यूम uh, कर लेते हैं कि अगर एफ है तो जो दूसरा आइटम लोगे उसका भी माइक्रो स्ट्रक्चर एफ होगा तो आसानी से मिक्सअप हो जाएगा क्योंकि इनका रूल्स ही यही बताता है कि एक अप्रोप्रिएट कंपोजिशन कैसे बने तो अप्रोप्रिएट कंपोजिशन बनाने के लिए ही इन्होंने अपने सारे रूल्स दिए इसके बाद अभी और आगे डिस्कस करेंगे तो गिब्स एक थे साइंटिस्ट रिसर्चर तो उन्होंने भी अपना एक फ़ार्मूला दिया वो फार्मूला डिग्री ऑफ़ फ्रीडम के ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ फेस कितने होंगे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होने चाहिए या नंबर ऑफ़ फ़ेस कितने बनेंगे अगर दो कंपोनेंट आप मिला रहे हो क्योंकि अगर कोई भी कंपोनेंट आप मिक्स करते हो तो एक कंपोजिशन बनता है अब वो कंपोजिशन कितने फेस में बनता है ये इंपॉर्टेंट रूल है तो इसको गिफ्ट साहब ने बताया कि हाँ ये इतने, इतने इतने अगर करोगे तो ऐसे ऐसे अगर आप इसमें ये फार्मूला यूज़ करोगे तो आपको पता चल सकता है कि हाँ कि एक या दो कंपोनेंट अगर दो मटेरियल आपस में अगर आप मिलाते हैं तो उसमें ये ये चीज़ें आपकी इतने फेस बनते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है कि कितने फेस बनते हैं फेजेस कितने होंगे ये इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है आपको पहले से अगर पता चल जाएगा तो आप हर फेस में अपने अकॉर्डिंग उसको चेंजेस कर सकते हैं उसके टेम्परेचर के ऊपर अब ये चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं फ़ेस रूल या फेस डाइग्राम तो बेसिकली दो चीज़ें होती हैं अगर देखा जाए तो तीन इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं लेकिन टम्परेचर प्रेशर जो टम्परेचर होता है वो आपका वाई एक्सिस पे शो करा जाता है और प्रेशर को आप एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं कई जगह इसे सी एक्सिस भी बोला जाता है जब आगे आपको आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको वन बाई वन उसमें बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या, क्या चीज़ें होती हैं और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म होता है कंपोजिशन अब ये जो कंपोजिशन है इसके ऊपर क्या क्या रीडिंग्स लेनी है कितने टेम्परेचर पे चेंजेस लाने हैं तो ये सारा कुछ इन्होंने डिस्कस करा तो इस पर चलने से पहले एक छोटा सा टॉपिक जो छूट गया था आपका पिछले लेक्चर में वो है आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट कि किन किन चीज़ों को मिलाया जाता है और कैसे उसके माइक्रो स्ट्रक्चर बनते हैं तो फॉर्म्स ऑफ सॉलिड फेसेस फॉर्म्स ऑफ सॉलिड फेसेस का क्या मतलब होता है कि आपने जब सॉलिड आपका फेस फेस आपके तीन होते हैं जो हमने आपको बताया सॉलिड लिक्विड और गैस जब सॉलिड फेस में होता है तो सॉलिड में भी जब आप सॉल्वेंट या सोलूसन कोई भी एलॉय मिलाते हैं तो उसके भी अपने फेसेस बन जाते हैं जैसे सॉलिड सोलूसन इंटरमेटेलिक कंपाउंड और इंटरमीडिएट कंपाउंड ये तीन टाइप के आपको सलूसन्स मिलते हैं सॉलिड फेसेस इन मोस्ट एलॉय सिस्टम अकर्स इन द फॉलोइंग फॉर्म नंबर वन आपको बताया गया सॉलिड सोलूसन इसके बाद इंटरमेटेलिक कंपाउंड और उसके बाद इंटरमीडिएट कंपाउंड ये तीन फॉर्म में आपके सॉलिड फेसेस डिवाइड होते हैं या आप कह सकते हो कैरेक्टराइज होते हैं सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड सोलूसन की सॉलिड सलूसन कभी भी जब भी सोलूसन की बात आए तो आप ये समझना होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए होमोजीनियस मतलब प्रॉपरली मिक्स होना चाहिए आपका आपके मैकेनिकली सपरेशन और फिजिकली सपरेशन पॉसिबिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए आपका प्रॉपर केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए मैकेनिकली और फिजिकली तो सेपरेट हो सकते हैं लेकिन अगर सिंगल फेस की बात करें तो उस केस में आपका क्या होना चाहिए आपका केमिकली जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए केमिकली कंपोजिशन सेम होना चाहिए तो सॉलिड सोलूसन में क्या बताया गया कि अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड सॉलिड सोल्यूसन मतलब कि एक होमोजीनियस मिक्सचर हो एक एटम या दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के जो कि सॉलिड स्टेट में हो तो उन्हें आप सॉलिड सल्यूशन कहते हैं यही होमोजीनियस मिक्सचर अगर लिक्विड स्टेट में हो जाएगा तो लिक्विड सल्यूसन कहलाएगा यही गैस में हो जाएगा तो गैसीय ही कहलाएगा लेकिन दो या दो से ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए किसी भी चीज को कंपोजिशन बनाने के लिए और होमोजीनियस होने का क्या मतलब है कि प्रॉपरली एक अप्रोप्रिएट आपका मिक्सचर मिल जाता है जब आपका होमोजीनियस होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रॉपर मिक्स हो जाते हैं तो ये एक सॉलिड सोलूसन का डेफिनेशन बताया गया ठीक है उसके बाद क्या बताया कि इट इज ए सिंगल फेस सिस्टम ये एक सिंगल फेस सिस्टम होता है सिंगल फेस मतलब एक कंपोनेंट होता है जैसे सॉलिड है तो वो सॉलिड ही है ठीक है तो सिंगल फेज सिस्टम एटम्स ऑफ डिफरेंट ये जैसे इसमें बताया गया कि इट इज अ सिंगल फेज सिस्टम एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट मतलब अलाइंग एलिमेंट भी हो सकते हैं जो आपको बताया डिफरेंट एलिमेंट के केस में आपके अलाइंग एलिमेंट आ जाते हैं ठीक है एंड इट कैन बी आइदर मैकेनिकली सेपरेटेड और फिजिकली डिस्टिंग इट कैन नॉट बी आइदर ये ना तो मैकेनिकली सेपरेट होते हो ना फिजिकली सेपरेट हो सकते हैं तो इस टाइप की चीजों को आप क्या कहते हैं सॉलिड सोलूशन फिर सॉलिड सोलूसन जो है सब कैरेक्टराइज हुआ जब इसमें और ज़्यादा रिसर्च करा गया तो इसको सब कैरेक्टराइज करा गया किस बेसिस पे कैरेक्टराइज़ करा गया उसके माइक्रो स्ट्रक्चर्स के बेस पे। तो या कोई भी एटम्स अगर बन मिलाते हैं आप तो उनका एक माइक्रो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो एक सीक्वेंस में भी हो सकता है वो एक पैटर्न को फॉलो करते हुए भी हो सकता है वो रैंडम भी हो सकता है अब जिस 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 सिस्टम के अकॉर्डिंग वो पैटर्न्स बनता है उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया उसी के अकॉर्डिंग इसको डिनोट करा गया और रिसर्चर ने ये फाइंड आउट करा कि कौन सा पैटर्न ज़्यादा सुटेबल है स्ट्रेंथ के लिए या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इनहेंस करने के लिए तो सॉलिड सोल्यूसन में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज दो दो पार्ट में क्लासिफाई करा गया एक होता है इंटर्सियल सॉलिड सोल्यूसन और सेकेंड होता है सब्सटीट्यूशनल सॉलिड सोलूसन जो आप अगर इसके नाम से देखिए कि इंटर्सियल सॉलिड सोल्यूसन इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एटम्स हैं तो वो एटम्स एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और उन वो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पर कोई सॉल्यूट आकर के या स्मॉल अमाउंट का एटम uh, जो है बिग अमाउंट के सॉल्वेंट में अगर डिजोल्व करते हैं तो जहाँ पर मिक्सिंग हो करके वो अपने पार्ट्स को छोड़ देता है या एलॉय के सारे पार्ट्स प्रॉपर मिक्स नहीं होते हैं किसी इंटरसेक्ट पॉइंट के बीच में आ जाते हैं तो उस तरह के पार्ट्स को या उस तरह के सोल्यूसन को आप क्या कहते हैं इंटरसियल सॉलिड सोलूसन अभी हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में आपको डायग्राम में भी एक्सप्लेन करेंगे तो ये होता है इंटरसियल सोलूसन मतलब इसमें क्या समझाया गया कि स्मॉल सॉल्यूट एटम्स डिजोल्व इन अ इंटरसियल स्पेस अवेलेबल एमंगस बिग सॉल्वेंट एटम्स मतलब कि स्मॉल सॉल्यूट एटम्स मतलब जिस चीज़ को आपको मिलाना है वो आपका स्मॉल uh, अमाउंट में होगा क्यों क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया कि अगर एलॉय है एक से ज़्यादा अगर एटम्स मिल रहे हैं तो एलॉय कहते हैं अगर एलॉय है तो जो बेस मेटल होगा वो ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू एलॉइंग एलिमेंट तो जब बेस मेटल ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ सॉल्वेंट की uh, सॉल्वेंट uh, का उस कंपोजिशन में सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू सॉल्यूट तो स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एटम्स डिजॉल्व इन द इंटरसियल जो वर्ड ये लिखा हुआ है आपका इंटर्सियल स्पेस इंटरसियल मतलब जहाँ पर आपका इंटरसेक्ट हो रहे हैं दो एटम आपस में ऐड होने पे तो उस स्पेस को आप कहते हैं इंटरसियल स्पेस अब उस इंटर्सील स्पेस पे जब भी आपका सॉल्यूट एटम्स जा करके एक स्मॉल अमाउंट का सॉल्यूट एटम्स जा करके के वहाँ पर अपना स्पेस बना लेता है तो उस तरह के सोलूसंस को आप कहते हैं इंटरसियल सॉलिड सोलूसन स्मॉल सलूट एटम्स डिजोल्व इन अ इंटरसियल स्पेस अवेलेबल एमंग्स बिग सॉल्वेंट एटम्स एंड फॉर्म एन इंटरसियल सॉलिड सोलूसन मतलब ज़्यादा अमाउंट में जो आपका सोलूसन होगा उसे सॉल्वेंट कहेंगे और उसमें स्मॉल अमाउंट का जब सोलूसन आप मिलाएंगे उसे सॉल्यूट कहेंगे और वो एक स्पेस बना ले इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बीच में तो उसे आप कहते हैं इंटरसेल सॉलिड सोलूसन अब इसको एक एग्जाम्पल से भी समझाया गया कि कार्बन एटम्स ऑफ एटॉमिक रेडियस 0.7 सेवन एंगस्ट्रॉन कार्बन एटम का एटॉमिक रेडियस 0.7 होता है एंगस्ट्रॉन और उसी जगह पर अगर आप देखो फ्रॉम अ सॉलिड सोलूसन एंड दिस काइंड ऑफ अल्फ़ा आयरन ऑफ एटॉमिक रेडियस 1.24 पॉइंट एंगस्ट्रॉन और अल्फ़ा आयरन का इतना है तो मतलब अल्फ़ा आयरन में कार्बन की कंटेंट आप मिला रहे हैं तो ये आपका एक तरह से आयरन बेस मेटल हो गया और कार्बन क्या हो गया एलोइंग एटम एलाइंग uh, मटेरियल अब जब आप इसमें इसको मिक्स करते हैं तो 1.24 पॉइंट एंगस्ट्रॉन इसका रेडियस है और उसका रेडियस कम है और वो कहाँ पर जा करके uh, अपना स्पेस बना रहा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे तो उस तरह के सल्यूसन को आप क्या कहते हैं इंटरसेल सॉलिड सोलूसन अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम इसी का डाइग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं आपसे इसमें देखिए इंटरसियल सॉलिड सोलूसन के डायग्राम में क्या बताया गया है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट आइटम्स ये जो आप डायग्राम ए करके हमने इसको डिनोट करा इसमें आप देखिए ये जो है आपका पूरा एक कंपोजिशन समझाया गया ठीक है अब इस कंपोजिशन में ये जो वाइट पार्ट्स हैं आपके ये सर्किल्स आपको दिख रहे हैं ये सॉल्वेंट है अब आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो सॉल्वेंट 80 परसेंट के अबाउट है और इन कंपेरिजन टू सॉल्यूट सॉल्यूट क्या है कम है इसका मतलब सॉल्वेंट आपका बेस मेटल है जिसमें आप एलोइंग एलिमेंट को मिक्स कर रहे हैं या सबमर्ज कर रहे हैं अब इसको आपको इंटरसियल क्यों कहा गया क्योंकि ये जहाँ जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है जैसे ये आपका पॉइंट हो गया ये आपका पॉइंट हो गया यहाँ पर हो गया अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बीच में एक बिग अमाउंट स्मॉल अमाउंट का सॉल्यूट एटम्स आ रहा है तो इसको बोला गया आपका इंटरसेल सॉलिड सोलूसन क्यों क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बीच में आ रहा है ये कंडीशन नहीं होता है कि सब में आना चाहिए क्यों क्योंकि जिस रेशियो में आप एलॉइंग एलिमेंट मिला रहे हैं उसके रेशियो में ही वो उसमें अपना स्पेस बनाता है इसको पढ़ना क्यों जरूरी होता है क्यों क्योंकि जो ये माइक्रो स्ट्रक्चर है यही आपको समझाएगा कि कौन सा एलॉय आप किस बेस मेटेल में कितना मिलाएंगे तो उसमें कहाँ कहाँ पर स्ट्रेंथ मिलेगी अब जैसे यहाँ पर ये प्रॉपर मिक्स हो रहा है यहाँ पर मिक्स हो रहा है लेकिन यहाँ नहीं मिक्स हो रहा है इस जगह पे मिक्स नहीं हो रहा है इसका मतलब इन कंपेरिजन टू दिस वन इस जगह का आपका जो भी स्पेस uh, होगा वहाँ का स्ट्रेंथ आपका uh, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना यहाँ पर जहाँ पर प्रॉपर मिक्सिंग हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका इंटरसेल सॉलिड सोल्यूसन को समझाया गया वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि सॉल्युबिलिटी इज जनरली रैंडम और लिमिटेड इन नेचर मतलब सॉलिबिलिटी रैंडम हो सकती है रैंडम मतलब किसी भी एक एक पैटर्न को फॉलो नहीं करेगी सॉलिबिलिटी वो एक रैंडम हो सकती है क्यों क्योंकि आप उसमें एलोइंग एलिमेंट मिला रहे हैं जिसका परसेंटेज कम है तो वो किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करेगी रैंडम होगा और लिमिटेड होगा होने को ये हर जगह हो सकता था नहीं हो रहा है क्यों क्योंकि आपका कम अमाउंट है और रैंडम हो रहा है रैंडम ये ना तो जो उसको मिक्स कर रहा है आज इंजीनियर उसे पता है और ना तो इस एटम्स में कोई ऐसी क्वालिटी है जिससे ये पता चले कि, कि किस जगह पे मिक्स होगा ये जब आप टेम्परेचर राइज करते हैं और उसके बाद जब मिक्सिंग करते हैं उसके बाद जब सॉलिडिफाइज होता है तो सिंक होता है मटेरियल तो जब सिंक होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना स्पेस लेता है जहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर लेता है उसे इंटरसेल सॉलिड सोलूसन बोला जाता है इसमें कुछ एग्जाम्पल आपको समझाए गए हैं सॉलिबिलिटी इज जनरली रैंडम एंड लिमिटेड इन नेचर स्मॉल आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन एंड बोरॉन ये जो एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि हाइड्रोजन हो गया कार्बन हो गया नाइट्रोजन और बोरान हो जा है ये आपका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इंटरसियल सॉलिड सोलूसन का क्यों क्योंकि इसके पार्ट जो हैं बहुत ही आसानी से एक तो स्मॉल क्वान्टिटी के होते हैं और बहुत आसानी से मिक्सअप होते हैं तो ये चीज़ आपका इंटरसियल सॉलिड सोलूसन के बारे में बताया गया ये बेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन और बोरॉन ठीक है अब नेक्स्ट इसमें आगे हम चलते हैं जो इससे पहले वाली स्लाइड में आपको बताया था कि दो टाइप के होते हैं एक इंटरसेल होता है और एक सब्सटीट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन होता है अब जैसे वर्ड से आपको पता चल रहा है इसके नाम से ही आप अगर रिकॉग्नाइज करना चाहें तो आप समझ सकते हैं सब्सटीट्यूशनल सब्सटीट्यूशनल मतलब कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम कोई भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है और इसमें भी दो पार्ट होते हैं सब्सटीट्यूशनल में भी दो पार्ट होते हैं इसके इसमें क्या होता है कि द अरेंजमेंट ऑफ एटम इज सब्सटीट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन इज सोन इन अ फीगर दो तरह के दिखाए गए एक क्या है ये जो है डार्क कलर का जो ब्लैक कलर का आपको डार्क दिख रहा है ये सब्सटीट्यूशनल है और ये है आपका बेस मेटल बेस मेटल हमेशा ज़्यादा होगा सब्सटीट्यूशनल के क्वांटिटी में और सब्सटीट्यूशनल क्यों बोला गया क्योंकि कोई भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं कहीं कहीं पर हो रहा है कोई भी रेगुलर पैटर्न नहीं है कि ये यह यहाँ पर है फिर इसके बाद इस जगह पर है तो यहाँ पर होना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं फॉलो कर रहा है इसलिए ये सब्सटीट्यूशनल कहा जाता है ठीक है अब इसमें फिगर बी एंड फिगर सी एक्सप्लेन द टू काइंड ऑफ अरेंजमेंट रैंडम सॉलिड सल्यूसन सोन इन फिगर बी एंड प्रीफर्ड सॉलिड सल्यूसन ये एक इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है रैंडम और प्रीफर जब आपने सोलूसन मिलाया और वो रैंडम हो रहा है रैंडम मतलब कहीं पर भी कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है तो वो आपका रैंडम कहलाता है किसी भी चीज़ को कहीं पर भी वो एक्वायर कर लेता है अपना स्पेस तो दैट इज़ नोन एज अ रेंडम सब्सटीट्यूशनल आइटम एक्वायर करता है ठीक है अब उसके बाद प्रीफर्ड सब्सटीट्यूशनल किसको कहा जाता है कि जिस जो आप चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हो आप खुद ही सोचो अगर इस इस, 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 इस माइक्रोस्ट्रक्चर को फॉलो करेगा तो एक प्रॉपर मिक्सिंग होगी एक प्रीफर्ड जो आप चाह रहे हैं एज ए इंजीनियर वो आपको मिलेगा तो आपको स्ट्रेंथ आपको सब जगह बराबर होगी तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है प्रीफर्ड सब

क्योंकि कोई भी कंपोजिशन होता है वो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में ही वर्क करता है तो टेम्परेचर ही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है कि वो रैंडम बनेगा या प्रिफर्ड बनेगा और ये पता कैसे चलेगा जब आप किसी भी मटेरियल पे कंपोजिशन को मिला करके उस पर जब एनालिसिस करेंगे वन बाई वन 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 बाई वन मटेरियल को कंपोजिशन को मिला करके तो अब आपको धीरे धीरे उसके बारे में एक एनालाइज़ होगा कि कौन से मटेरियल पे कितना टेम्परेचर देने पे आपको रैंडम मिल रहा है और कितना टेम्परेचर देने पर आप जो क्वालिटीज़ एज ए प्रिफर्ड चाहते हैं वो आपको मिल रहा है तो ये होता है आपका सब्सटीट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन अब आते हैं आपके ह्यूम रौदरी रूल्स पे जो हम आपको बताए थे कि ह्यूमरोदरी रूल्स का इंपॉर्टेंट टर्म्स यही होता है कि अगर एक इंजीनियर को या साइंटिस्ट को सारी क्वालिटीज़ एक ही एलिमेंट में चाहिए तो वो नहीं मिल पाती है तो वही चीज़ लिखा है कि डिज़ायर ऑफ़ स्ट्रॉन्ग एंड यूजफुल एलॉय इज़ इज़ नेचुरल टू इंजीनियर्स अगर कोई इंजीनियर है तो वो चाहता है कि हमको एक स्ट्रॉन्ग एलॉय मिले और यूजफुल एलॉय मिले जो आप मिलाओ वो आपके जो आप दो कंपोनेंट अगर मिक्स कर रहे हो तो वो आपके यूज़ में आए तो उसके लिए आप क्या करते हैं रूल्स दिया ह्यूम ह्यूमररी ने डेवलपमेंट ऑफ नेसेसिटीज सर्टेन कंडीशन इस कंडीशन को डेवलप करने के लिए कई रूल्स दिए तो वो रूल्स क्या क्या होते हैं जिससे कि प्रॉपर मिक्सिंग हो पाए तो ह्यूम ह्यूमरदरी हैज़ गिवेन सम क्राइटेरिया इन दिस रिगार्ड एंड सब्सटीट्यूशनल सॉलिड सोल्यूसन अब जब चीज़ें आपस में मिक्स हो रही हैं तो वो रूल्स को अगर फॉलो करते हुए करेंगी तो आपका प्रॉपर कंपोजिशन मिलेगा और 100 परसेंट इफ़िशियंसी मिलेगी उस मटेरियल से तो इन्होंने जो दिया दीज आर नोन एज़ ह्यूम रोडरी रूल्स एंड आर गिवन बिलो अब क्या क्या चीज़ें दिया ह्यूम रोडरी ने उस पर हम लोग चलते हैं वन बाई वन तो इन्होंने बताया कि जो भी स्ट्रक्चर होगा वो आपका मेटल का दो या दो से ज़्यादा अगर माइक्रो स्ट्रक्चर हैं तो वो सिमिलर होने चाहिए क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो सिमिलर होना चाहिए हमने आपको स्ट्रक्चर के बारे में पहले भी बताया कि जैसे आपका सिंपल क्यूबिक सेल होता है एफसीसी होता है फेस क्यूबिक सेल होता है बॉडी क्यूबिक सेल होता है अब आप खुद ही एनालाइज करिए कि अगर दो मटेरियल है और उनका स्ट्रक्चर सेम नहीं है स्ट्रक्चर सेम इन द सेंस एक आपका बॉडी सेंटर्ड है और एक आपका फेस सेंटर्ड है जब हम आपको ये लैटिस के बारे में बता रहे थे तो हमने आपको वन बाई वन इसको समझाया था मिलर इंडिसेस में भी आपको हमने इसके बारे में बताया था कि जब सेम एटम होंगे तो जो कॉर्नर का एटम होगा वो क्या करेगा या फेस का एटम अगर मान लीजिए आप सिंपल क्यूबिक की बात करें तो जो कॉर्नर का एटम होता है वो अपने बगल वाले से उसको क्या करता है शेयर करता है तो अगर आप जब शेयर होता है तभी बॉन्डिंग होती है अगर आपको इसको हम आपको समझाना चाहें तो आपको एक बता देते हैं यहां पे ये आपका मान लीजिए सिंपल क्यूबिक है ये एक यूनिट सेल है सिंपल क्यूबिक का अब इस सिंपल क्यूबिक में जब यूनिट सेल में अगर बात करें तो आपके सारे कॉर्नर्स पे एक एक एटम है अगर आप एफ सी सी या यूनिट सेल की बात करें तो ये इसने ये हमने पहले भी डिस्कस करा है कि आपको देखने में आठ लग रहे हैं लेकिन ये एट नहीं होते हैं इसमें क्या होता है आपका ओरिजिनलिटी में वन एटम्स आता है सिंपल क्यूबिक में लेकिन अगर आप सोचिए इसी सिंपल क्यूबिक में आपको एक एफ सी सी एड करना है आपस में बाउंडिंग करानी है सिंपल क्यूबिक और एफ़ के केस में तो सबसे प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इशू ये आएगा कि आपको अब एफ़ सी में क्या होता है फेस पे हो, होता है टॉप पे हो गया राइट right पे हो गया बैक पे हो गया यहाँ पे हो गया सारे फेस पे है. अब आप सोचिए अगर एक फेस पे है और एक कॉर्नर पे है तो ये आइटम्स आपस में कैसे एक दूसरे पे शेयर कर पाएंगे शेयरिंग इज़ इम्पॉसिबल एक तो, ये फ्रंट पे भी रहेगा यहाँ पर तो शेयरिंग नहीं हो पाएगी तो अगर आपको पहले से ही पता चल जाए कि दो दो क्रिस्टल ऐसे कौन कौन से हैं जिसमें जिसके स्ट्रक्चर सेम है, अगर एफ है तो एफ़ है तो अगर दोनों एफ होता तो आसानी से शेयरिंग होता या दोनों आपका सिंपल क्यूबिक होता तो आसानी से शेयरिंग होता या दोनों आपका बी होता तो बहुत ही आसानी से शेयरिंग हो सकता था एटम्स का तो उस केस में आपका एक अच्छा कंपोजिशन मिलता आपको लेकिन जब सेयरिंग नहीं हो पा रही है तो आपको कंपोजिशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं मिल पाएगा तो इस पर ह्यूम रोडरी ने बहुत इम्फेसाइज करा कि आपका सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होना चाहिए उसी पे हम डिस्कस करते हैं कि द टू और मोर एटम मेटल शुड हैव सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर सच एज एफ एंड एफ या तो एफ और एफ हो या बी एंड बी हो एग्जाम्पल भी समझाया गया कि टंगस्टन एलॉय स्टील हैज़ एफ ई एंड डब्ल्यू बोथ अब टंगस्टेन लॉय में क्या हुआ एलॉय अगर लिख गया इसका मतलब क्या हुआ दो एटम मिला रहे हैं अब क्या क्या मिल रहा है आपका एफ ई और डब्लू अब एफ ई और डब्ल्यू का जो स्ट्रक्चर है वो बी सी सी को फॉलो कर रहा है मतलब बॉडी क्यूबिक सेंटर है बॉडी सेंटर क्यूब है तो जब ये दोनों सेम है तो आपस में मिक्स हो जाएंगे सेम इसी तरह का एक एग्जाम्पल लिया गया प्लेटिनम और सिल्वर का अब प्लेटिनम और जो है वो आपका एफ सी सी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है अब जब एफ सी सी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है इसका मतलब वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है अब जब एफ में है तो अगर इसी के ऊपर सेम इसी तरह का एक आइटम है जिसका फेस पे है अगर ये फेस पे तो ये वाला ये वाला आसानी से एक दूसरे से कंपेयर हो जाएगा और शेयर करेगा तो जब ये आपस में शेयर करेंगे मिक्स हो गए इसी तरह अगर इसके ऊपर कोई है तो वो शेयर करेगा साइड में है तो शेयर करेगा तो एक अच्छा कंपोजिशन मिलता है तो ये ह्यूम रोडरी ने बताया सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होना चाहिए अब नेक्स्ट आते हैं इन्होंने नेक्स्ट रूल अपना सेकेंड रूल में क्या बताया रिलेटिव एटोमिक साइज मतलब कि दो एटम्स जिनको आप मिला रहे हैं या जो दो मटेरियल जिनको आप मिक्स कर रहे हैं उनके जो एटम्स के साइज़ हैं वो कंपैरिजन में एक दूसरे के 15% परसेंट के आसपास होने चाहिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है अगर आप सोचिए एक एटम्स काफ़ी बड़ा है साइज में और एक छोटा है तो उनकी मिक्सिंग होने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी टाइम कंज्यूम होगा टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा लेकिन इस केस में इन्होंने क्या बताया अगर रिलेटिव एटॉमिक साइज है आपस में एक दूसरे के 15 परसेंट के आसपास हैं तो एक अच्छा सॉलिड सॉलिबिलिटी solub, बनती है एक अच्छा सॉलिड सोल्यूसन बन करके आता है जिससे उसकी स्ट्रेंथ इं, इंक्रीज करती है तो इसी में आगे डिस्कस करते हैं कि एटम्स ऑफ द टू मेटल्स शुड हैव देयर साइज़ विद इन फिफ्टीन ऑफ़ ईच अदर इफ़ द साइज डिफरेंस मोर देन फिफ्टीन ओनली लिमिटेड Solid will be मतलब क्या हुआ? कि अगर 15% के है, तो एक अच्छा solid मिलेगा. लेकिन अगर 15 से है तो उतना अच्छा सॉलिड या सॉलिबिलिटी आपको नहीं मिल पाएगी तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल बताया इन्होंने जो कि था रिलेटिव एटोमिक साइज के ऊपर फिर है आपका वैलेंसी क्राइटेरिया अब बात करते हैं वैलेंसी क्राइटेरिया के ऊपर कि द वैलेंसी ऑफ बेस मेटल एंड द एलोइंग एलिमेंट शुड बी द सेम मतलब कि जो वैलेंसी है बेस मेटल की और एलाइंग एलिमेंट की वो आपकी लमसम सेम होनी चाहिए तभी क्या होगा प्रॉपर बॉन्डिंग हो पाएगी ठीक है अब वैलेंसी में अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रो वैलेंट होता है को वैलेंट होता है और भी कई होते हैं तो इलेक्ट्रो वैलेंट क्या होता है वैलेंसी अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने किसी को एक रुपए दिया तो जिसको दिया वो निगेटिव चार्ज में आ गया वन रुपीज का और आपने दिया तो आप पॉजिटिव चार्ज में आ गए तो अगर एक दिया और एक लिया उसने तो वो क्या हो गया एक इलेक्ट्रोवैलेंट हो गया और को वैलेंट क्या होता है को वैलेंट के केस में एक ही चीज दो लोग आपस में शेयर कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज को वैलेंट तो इस तरह की वैलेंसिंग क्राइटेरिया सेम होनी चाहिए बेस मैटर और एलोइंग एलिमेंट की तब जाकर के आप एक अच्छा कंपोजिशन जनरेट कर सकते हैं तो ये आपके तीन रूल ह्यूम ह्यूमर ने बताया फिर चौथा रूल्स क्या था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब कि द सॉलिड सॉल्युबिलिटी विल बी लिमिटेड इफ़ द टू मेटल्स वज इज ग्रेटर इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टू हाई द टू मेटल्स विल फॉर्म इंटरमीडिएट फेस इंस्टेड ऑफ सॉलिड सोल्यूशन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इंटरमीडिएट फेज फाउंड होगा इंटरमीडिएट फेज जो सेकेंड क्लासिफिकेशन uh, था आपका सॉलिड सल्यूसन का इंटरमीडिएट फेस का मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा सॉलिड थोड़ा सा लिक्विड इंटरमीडिएट मतलब दोनों के बीच का फेस जब अभी आपको आयरन कार्बन डाइग्राम के बारे में बताएंगे तो इसको और अच्छे से आपको समझ में आएगा जिसमें आपको हर फेस में कहाँ कहाँ पर कितना टेम्परेचर देने पर चेंज हो रहा है और एक फेस जब चेंज होता है तो ऐसा नहीं कि सॉलिड से तुरंत लिक्विड में चेंज हुआ उसके बीच का इंटरमीडिएट फेस भी आता है इंटरमीडिएट फेस क्यों आता है क्योंकि कहीं पर आप कुछ टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए स्टैंड बाई करते हैं

एक्चुअली uh, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक हो जाएगा तो हम यहीं पे अपना लेक्चर बाइंड अप करते हैं जो चीज़ें आपको बताई थी वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर अप कर चुके हैं अब आगे गिप्स रूल्स और फेस रूल वो हम आपका नेक्स्ट लेक्चर में अप करेंगे आप इस पर भी इन्फेसाइज़ करिएगा ओके हम लेक्चर बाइंड अप करते हैं ओके थैंक्स अलॉट